गाइस, इफ यू लव गेमिंग एंड वांट ए बेस्ट गेमिंग माउस टू इनहांस योर स्किल, देन इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट गेमिंग माउस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके गेमिंग नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी लुक्स आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, देन इनकी परफॉर्मेंस एंड स्पीड, एंड एट लास्ट इनकी प्राइस। पांचों के पांचों माउस ही आपको अंडर 1000 रुपीज मिल जाएंगे एंड आई प्रॉमिस यू अंडर 1000 रुपीज से गेमिंग माउस वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग माउस होने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी माउस को परचेस करना चाहते हैं देन आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी बाइंग लिंक्स मिल जाएगा। नंबर 6 पे आता है जेब्रोनिक्स जेब ट्रांसफॉर्मर एम। गाइस, अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं करते और अराउंड 500 रुपीज आपका बजट है देन आपके लिए जेब्रोनिक्स की माउस एंड रेडगियर की और एक माउस है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये दोनों माउस काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। जेब्रोनिक्स की इस माउस में आपको एक काफी राफ लुक प्रोवाइड किया गया है एंड सिल्वर कलर फिनिश के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ये माउस आता है और 130 ग्राम्स इसकी ओवरऑल वेट आपको देखने मिलता है। साथ ही ब्रेडेड केबल के साथ ये माउस आता है। वेल गाइस, आपको इसमें RGB इफेक्ट्स नहीं देखने मिलेगा। इसमें LED लाइट्स दिया गया है जो रैंडमली चेंज होते रहते हैं। बाकी इसमें अप टू 3200 DPI रेजोल्यूशन आता है और 100 to 120 हर्ट्ज के अराउंड आपको पोलिंग रेट मिल जाता है जिससे माउस आपको डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, बट कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए ये माउस बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें टोटल 6 फंक्शनल बटन्स मिलते हैं और गाइस, गेमिंग के अलावा डे टू डे वर्क के लिए भी ये माउस काफी अच्छा होगा। नंबर 5 पे है रेडगियर A15। गाइस, ये माउस भी आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाता है। इस वाले माउस में गाइस आपको RGB लाइटिंग काफी अच्छा देखने मिलता है। डुअल RGB लाइटिंग के साथ ये माउस आता है जो देखने में काफी बढ़िया लगता है और बिल्ट वाइज भी ये जेब्रोनिक्स की माउस से थोड़ा बेटर है। बाकी कंफर्ट दोनों में ही सेम है, बट रेडगियर की इस माउस में आपको अप टू 6400 DPI रेजोल्यूशन मिलता है और पोलिंग रेट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 120 to 125 हर्ट्ज के पोलिंग रेट मिल जाता है। इसके अलावा आपको ब्रेडेड केबल इसमें भी मिल जाता है। एडिशनली गाइस, इसमें आपको प्रोग्रामेबल बटन्स एंड RGB कस्टमाइज करने की ऑप्शन भी मिलता है जो ओवरऑल इसे जेब्रोनिक्स से बेटर बनाता है। नंबर 4 पे है ऑफबीट रिब्जो अल्फा। गाइस, एक वायरलेस माउस है, तो आप डे टू डे वर्क के साथ कैजुअल गेमिंग के लिए एक वायरलेस माउस ढूंढ रहे थे देन ऑफबीट अल्फा आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। इस माउस की डिजाइन काफी आई कैचिंग है। ओवरऑल बॉडी में आपको RGB लाइंस के साथ सिल्वर फिनिश डिजाइन देखने मिलता है जो देखने में काफी इम्प्रेसिव एंड प्रीमियम लगता है। वैसे तो इसकी प्राइस 1000 रुपीज से ज्यादा है, बट सेल के दौरान आपको ये अंडर 1000 रुपीज मिल जाएगा। और इस माउस की और एक खासियत है, एक साइलेंट माउस है, यानी आपको इसमें क्लिक की साउंड काफी मिनिमल देखने मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको दूसरे वायरलेस माउस की तरह बैटरी चेंज करना नहीं पड़ता। एक रिचार्जेबल माउस है। देन आपको इसमें 8 फंक्शनल बटन्स देखने मिलते हैं जिनमें से 2 DPI इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के बटन्स हैं। और गाइस, इसमें आपको अप टू 3200 तक की 3 लेवल एडजस्टेबल DPI मिलता है एंड 500 हर्ट्ज की पोलिंग रेट है। ओवरऑल गाइस, इन माई ओपिनियन लुक्स वाइज एंड फीचर वाइज एक काफी शानदार माउस है। अगर आप एक वायरलेस माउस ही चाहते हैं देन डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। गाइस, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर दे आगे और भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। नंबर 3 पे है रीड्रैगन फेजर। गाइस, रीड्रैगन के माउस आपको 700 टू 750 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। इस माउस के वन ऑफ द मेन एडवांटेज है इसके एर्गोनॉमिक्स। इस माउस को काफी एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है, बट इसकी वेट थोड़ा हेवियर साइड है जो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपको LED लाइट्स देखने मिलेगा इंस्टेड ऑफ RGB जो DPI सेटिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और आपके इसमें टोटल 6 बटन्स मिल जाते हैं। DPI की बात करें तो इसमें आपको 3200 तक की DPI आता है एंड 500 हर्ट्ज की पोलिंग रेट है। ओवरऑल 700 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छा माउस है। आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2 पे है ऑफबीट रिब्जो वायरलेस माउस। गाइस, ऑफबीट की तरफ से आने वाली ये दूसरी वायरलेस माउस भी काफी शानदार लुक्स के साथ आता है। इसकी डिजाइन देखने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, साथ ही इसका RGB लाइट के साथ इसकी लुक्स और भी इम्प्रेसिव हो जाता है। वैसे इसकी भी प्राइस 1000 रुपीज से ज्यादा है, बट आप ऑनलाइन पे इजिली इसे 800 रुपीज के अराउंड परचेस कर सकते हैं। बात करें इस माउस की तो ये भी एक रिचार्जेबल माउस है और इसमें आपको टोटल 7 बटन्स मिलते हैं और पहले वाले ऑफबीट माउस की तरह ये भी साइलेंट क्लिक फीचर के साथ आता है और DPI में आपका 3200 DPI मिल जाता है। इसके अलावा पोलिंग रेट 500 हर्ट्ज तक की है। नंबर 1 पे है कॉस्मिक बाइट ग्रेविटी। गाइस, हम कह सकते हैं कि अंडर 1000 रुपीज कॉस्मिक बाइट ग्रेविटी दी बेस्ट गेमिंग माउस है, क्योंकि इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो जो फीचर्स से माउस आपको प्रोवाइड करता है वो इस बजट में शायद ही किसी माउस में आता है। इसमें सबसे पहले जो आपको नोटिस होगा वो है इसकी लुक्स। माउस की डिजाइन तो सिंपल है बट इसका आरजीबी लाइटिंग को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया गया है और इसमें आपको फ्रॉम रेनबो टू ब्रीथिंग बहुत सारे आरजीबी लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक सिमेट्रिकल माउस है तो लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों पर्सन से इस माउस को यूज कर सकते हैं और फॉर कन्वीनियंस आपको दोनों साइड से बटन मिलते हैं और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप इसके सॉफ्टवेयर में जाके फ्रॉम बटन टू आरजीबी स्पीड एंड प्रिसिजन सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन इसमें आपको सबसे हाईएस्ट डीपीआई मिल जाता है अप टू 6400 डीपीआई एंड हाईएस्ट पोलिंग रेट भी मिलता है 1000 हर्ट्ज। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी स्टार्टिंग फील होता है। तो गाइस यहीं थे टॉप 6 बेस्ट गेमिंग माउस अंडर 1000 रुपीज। गाइस अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप 4 में से सिलेक्ट करें और अगर आपका बजट कम है और सिर्फ कैजुअल गेमिंग ही करते हैं देन जेब्रॉनिक्स की या फिर रेडगियर की माउस को कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी ऐसे डिफरेंट गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।